विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोरिया समेत एमसीबी जिले की सभी अंतर्राज्यीय व अंतर जिला की सीमाओं में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 शिफ्ट में अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। एमसीबी जिले में 19 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ बॉर्डर में 9 चेक पोस्ट में 27 अधिकारी कर्मचारी तैनात किया गया है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी सक्रिय की गई है। आचार संहिता लागू होते ही विधानसभा चुनाव के लिए जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिले की सीमाओं पर पुलिस के 19 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन सभी स्थानों पर सीमा से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जाएगी ताकि लोग बड़ी रकम और नशीला पदार्थ जैसे शराब गांजा के अलावा नगद न ले जा सकें। इन स्थानों पर 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि बिना बिल की मिलती है तो उसे जब्त किया जाएगा। जब्त हुई राशि के संबंध में बिल या फिर सबूत पेश किए जाने पर ही लौटाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने बताया कि 50,000 रुपये नगद आम लोग अपने साथ रख कर आना जाना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इतने रुपए साथ लेकर चलने की वजह बतानी होगी। इसके साथ ही बिल या अन्य दस्तावेज अधिकारियों को दिखाने होंगे। संतुष्ट होने पर ही उन्हें पैसे लौटा दिए जाएंगे। हमारे जो जिला है मध्य प्रदेश की सीमा से लगती है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बैरियर 9 है और राज्य के बैरियर बाकी 10 हैं। 19 बैरियर बनाए गए हैं। यहाँ पर जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई है सघन चेकिंग चल रही है। सभी वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है 24/7 ताकि कोई भी इलेक्शन शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। एमसीबी जिला एसपी सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा भी बताया गया कि इस चेक पोस्ट में वन विभाग आबकारी विभाग के साथ ही प्रशासनिक नाकेबंदी की गई है, जिससे कोई भी अवैध सामान लाने ले जाने का काम न कर पाए। इससे पहले भी इस चेक पोस्ट में 40,00,000 रुपए जब्त की गई थी। इस पर कड़ी निगरानी रखी गई है। सभी को कड़ी से कड़ी निगरानी रखने की हिदायत भी दी गई है, जिससे होने वाले चुनाव में किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी न हो पाए। प्रशासन के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा चेकिंग की जा रही है। मुझे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसी बैरियर पे कुछ दिन पहले 40,00,000 रुपया भी जो जा रहा था उसको जब्त किया गया था। आबकारी में दारू भी पकड़ी गई है। तो लगातार पुलिस सघन चेकिंग कर रही है। हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराने में प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करें। भरतपुर सोनहत विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर मूलचंद चोपड़ा ने हर चेक पोस्ट में 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जिसके तहत अनुविभाग भरतपुर अंतर्गत कुल 7 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसमें टिस्खोली, नेऊर, घोरधरा, जैती, चाटी, घुघरी, फुलझर, तिलोखन व भौता में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। यहाँ प्रत्येक चेक पोस्ट में एक प्रभारी समेत 2 सहायकों को तैनात किया गया है। वहीं कोरबा व कोरिया से लगे 10 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इनमें घोरधरा, कोड़ा, बड़े साली, खड़गवां, धनपुर, सकड़ा व दूपछोला में चेक पोस्ट में कर्मियों को तैनात किया गया है। एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।